वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं खिड़की बंद कर लूँ, बहुत ज़्यादा विंड बर्स्ट आएगा। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और टूवर्ड्स मैं जा रहा हूँ ठेला गेट की तरफ, जिरना की आज सफारी है, day 3 है आज जिम कॉर्बेट में हमारा, और day 3 है आज जिम कॉर्बेट में हमारा, और इसके बाद की सफारी करेंगे जिरना जोन की। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी क्या होता है, क्या रहता है, क्या मिलता है। आई होप सब अच्छा जाए। और सफारी करने के बाद फिर उसके बाद नाइट ड्राइव का करेंगे, देखते हैं। क्यों? क्योंकि कल का मेरा चेकआउट है यहाँ से जिम कॉर्बेट से एंड टूवर्ड्स पीलीभीत। पीलीभीत की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। कल आज 2 तारीख है, 3 तारीख को मेरा चेकआउट रह के अपना 4 की सुबह की, परसों सुबह की पीलीभीत की साइटिंग है। पीलीभीत में बहुत प्यारी साइटिंग हो रही है, स्लॉथ डियर की, टाइगर की, ऑलमोस्ट मॉर्निंग इवनिंग ऑलमोस्ट हर उसमें सफारी में टाइगर की साइटिंग है, स्लॉथ डियर की साइटिंग है। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं और बुकिंग मैंने कर ली है। लेट्स सी, क्योंकि वहाँ पे जाके नाइट ड्राइव का भी मैं रखूँगा, वो आगे का जैसे जैसे ब्लॉग चलता रहेगा वैसे वैसे आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स ठेला एंड बस फटाफट पहुँचते हैं। 15 मिनट रह गए हैं, 2 बजे तक अपना पहुँचने की मेरी बात हुई थी। सैडली इस बार संजय भैया नहीं है, क्योंकि सफारी जो मैंने बुक करी वो मैंने कल दोपहर को ही करी, तो जो सिस्टम होता है ऑनलाइन उसमें ऑलरेडी इन्होंने जिप्सी जो है वो अलॉट कर दी थी, तो इस वजह से संजय भैया की जीप का मैं नंबर डाल नहीं पाया। क्योंकि वैसे मैं करता हूँ तो 10 to 15 days इन एडवांस कर लेता हूँ, तो उतनी देर में मैं संजय भैया की जो जिप्सी है उसका नंबर मैं डाल देता हूँ, तो वो अलॉट हो जाती है मुझे। पर चलो कोई नहीं, वर्कआउट क्योंकि ये प्लान ऑलरेडी इस तरह से ही बनाए कि सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है, सो नो वरीज। लेट्स सी कैसा रहता है इस वाली सफारी का, क्योंकि नए जो होंगे, नेचुरलिस्ट भी नए होंगे, ड्राइवर भी नए होंगे, नोन नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, जंगल अपने को पता है, जिरना का पता है, मखना का। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो आप ऑलरेडी ब्लॉग चेक कर चुके होंगे, जो मखना की मैंने साइटिंग करी थी और जो पीछे वो भागा था टस्कर और मखना की जो साइटिंग हुई थी। कल भी जब मैं नाइट ड्राइव पे था, वीरू से भी जब मैं मिला था, तो वीरू को भी उसको भी साइटिंग जो हो रही है वो एलिफेंट की ही हो रही है। और गर्जिया पे भी जो हमें रात को नाइट सफारी में जाने नहीं दिया था, वो भी इसलिए ही नहीं जाने दिया था क्योंकि एलिफेंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मीटिंग चल रही है उनकी आज कल। तो ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है अंदर। और ये सामने जो आप देख रहे हो, ये जिरना की चौकी आ गई है फर्स्ट, और यहाँ से फिर अपना जंगल जो है शुरू हो जाएगा ड्राइव। और लेफ्ट साइड पे, जैसे मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बताता हूँ, ये ठेला का रेस्क्यू सेंटर है। तो चलो आगे मैं निकल गया हूँ, और ये फर्स्ट अपना जो नाला आता है यहाँ पे, अभी रुकूँगा नहीं क्योंकि पहुँचने का भी मेरे को है कि जो सफारी है, जो अपनी जीप है, उसका सबसे पहला नंबर लग जाए, तो अपनी तरफ से मैं कोई डिले नहीं करना चाहता। तो चलो आपसे मिलते हैं अब ठेला के। इस वक्त ठेला जोन पे हम पहुंच गए, आप पीछे जोन देख सकते हो, और जीप भी हमारी खड़ी हुई है, ये भी सबसे पीछे वाली जीप जो है हमारी है। तो चलो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, क्योंकि पहली बार ये गाइड है, फॉर्मेलिटीज़ करता हूँ फिर आपसे एंट्री करें। आप पीछे देख रहे हो तो जिरना की एंट्री के उस गेट पे खड़े हुए हैं, आईडी वगैरह चेक हो रही है, पास चेक हो रही है, बस इसके बाद फिर आगे अपना एक्शन शुरू। सो फिंगर्स क्रॉस, होप कुछ दिख जाए। लास्ट जो साइटिंग हुई थी वो ठेला की हुई थी, और या तो बाहर भंडार पानी पे जो लेबर की जाएगी, मतलब इनसाइड द टाइगर रिजर्व। अभी तक यहाँ पे भी देखते हैं, मूवमेंट कितनी है, चेक करेंगे।
अरे भाग 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 आगे आगे ले हाथी का ही है। हाथी चाहे तो एक मिनट में पलटा दे, उसके लिए गाय को चलना है, उसके लिए उसका खिलाना है। इसलिए जो मेल तस्कर होता है ना, मेल रखना होता है, जो सोसाइटी है ना, वो होती है मैट्रियार्क सोसाइटी में, जो ओल्डर फीमेल है वो लीड करती ग्रुप को, और ग्रुप ज़्यादातर फीमेल का होता है। छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो ये बड़ा हुआ इसको उससे अलग कर दिया, हमारा अलग रहेंगे। तो ये आप ग्रुप में रहने वाला एनिमल जहाँ अलग रहेगा, तो कई बार जैसे गाड़ी पर चेस करता है, हफ्ता गाड़ी के पीछे ना, जैसे अभी चेंज कर रहा था, चार्ज कर रहा था। और सेम थिंग क्या है, क्योंकि छोटे ग्रुप में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो भाई वो भी गाड़ी के पीछे भागते हैं, कि अपनी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, तो भैया बच्चों के लिए प्रिकॉशन लेते हैं पहले। साल का है आपने पिछले वाले ब्लॉग में जैसे देखा था, यहाँ पे मकना और टस्कर की जो डोमिनेंस फाइट थी वो देखी थी, और ये आ गया। बड़े वाले की तो दिक्कत है। अब आप ब्लॉग में आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा अभी जस्ट पीछे लास्ट वाला ब्लॉग जो है, उसके अंदर यहीं पे ही मकना और टस्कर की डोमिनेंस फाइट थी वो दिखाई थी मैंने। और ये साथ में जितना भी चल रहा है, आगे जाके जब मैं राइट मुड़ा था, तब वो हमारी जीप उसने जस्ट क्रॉस करी थी, हैंड ऑन कोलिजन होने वाला था, उससे सिर्फ और सिर्फ हम 2 सेकंड बचे थे। और हमारे पीछे जो जीप थी, हमने उसको यहीं पर रोका था आगे राइट साइड, और यहीं से अंदर भागा। तैयार हो गया, देख बगल से जाएगा एकदम, कुछ नहीं कहेगा। मजा पैरों में देख। मुझे उसके कान के ऊपर कुल्हाड़ी टांगी हुई है। तो इस वक्त FRH में रुके हुए हैं हम, झरना के आप देख सकते हो, जैसे चाय वगैरह पीने के लिए रुके हुए हैं।
देखते हैं, कॉलिंग वगैरह अभी तक कुछ नहीं हुआ। एलिफेंट्स का हर्ड था, वही मिला था एलिफेंट का हर्ड, तो करते हैं थोड़ा ब्रेक वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कैमरे की बैटरी भी थोड़ी लो है, तो वो भी मैंने चार्ज पे लगाया हुआ है अंदर, तो थोड़ा टाइम उसको भी चाहिए, तो 10-15 मिनट में वो भी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे आगे। तो वेलवेट ना, अभी क्या है जो एंट्रेंस में अभी गोइंग स्टेशन है ना, तो वहाँ से वेलवेट चढ़ा हुआ, मतलब इसके अंदर अभी क्या ब्लड प्रेशर चल रहा है, जब ये हार्ड हो जाएंगे तो इसको क्या पेड़ को रखते हैं। सफाई चल रही है, मैनीक्योर पेडीक्योर हो रहा है। सफारी ख़त्म हो गई है ऑलरेडी और गाड़ी में सामान रख दिया है। अब यहाँ से टूवर्ड्स मैं जा रहा हूँ मोहान वाली रोड पे, धनगढ़ी तक मैं जाऊँगा, तो लेट्स सी वहाँ पे कैसा रहता है। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। चेयर्स।